हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए फिजिक्स। एनडीए में फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हम करेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को केवल हम आंसर्स के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ में हम थ्योरी भी डिस्कस करते चलेंगे, ताकि रिविजन हो कॉन्सेप्ट का, वो फैक्ट, वो फॉर्मूले, वो जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी आप लिस्ट बनाते जाइए तो रिविजन करने में आसानी होगी। साथ में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आने पर वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 60 वॉट बल्ब्स मे बी यूज्ड इन 240 वोल्ट सप्लाई विद 4 एम्पियर फ्यूज। 240 वोल्ट की सप्लाई है जिसके साथ 4 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। हमसे पूछा है कितने 60 वॉट के बल्ब्स इस सप्लाई के अक्रॉस हम यूज कर सकते हैं। ये बात हो रही है हाउस होल्ड की। आप जानते हैं हाउस होल्ड में सभी अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। सप्लाई दे रखी है 240 वोल्ट की और इसके अक्रॉस हमको बल्ब्स को यूज करना है, मतलब ये बल्ब्स यूज होंगे पैरेलल में। जैसे ये यहां मैंने कुछ बल्ब्स दिखाए हुए हैं, हर बल्ब का जो पावर है वो कितना दिया है 60 वॉट, और ये लगा हुआ है फ्यूज जो मैंने येलो से दिखाया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ये पता करेंगे कि जब ये बल्ब 60 वॉट का 240 वोल्ट के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगा फिर करंट कितना ड्रॉ करेगा। तो आपको याद आना चाहिए डीसी पावर होती है वी आई, तो आई इज इक्वल टू पी बाई वी। पावर कितनी है उस बल्ब की, वह है 60 वॉट और वी कितना है, वी इज 240 वोल्ट। तो एम्पियर में करंट आ जाएगा, कितना होगा ये 1/4 एम्पियर, यानी हर बल्ब 1/4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। अब ये फ्यूज कितने का लगा है, फ्यूज का मतलब क्या होता है, ये लेड टिन अलॉय होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। हाई वैल्यू करंट यदि इसमें से फ्लो होगा तो ये फ्यूज हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है। फ्यूज दिया है 4 एम्पियर का, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना करंट लिया जा सकता है सोर्स से, सप्लाई से, वो लिया जा सकता है 4 एम्पियर। हर बल्ब कितना ले रहा है 1/4, तो बस हमको नंबर ऑफ बल्ब्स के लिए 4 एम्पियर जो फ्यूज की रेटिंग है उसमें 1/4 एम्पियर से डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ बल्ब हो जाएंगे 16। तो आंसर इसका हो गया 16। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो मैं आपको याद दिलाऊं, रेजिस्टेंस किसी वायर का होता है रो एल अपॉन ए, जिसमें एल क्या है, उस कंडक्टर की लेंथ, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये रो कहलाता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यदि हमसे पूछा होता है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का, और तीसरा है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस इन तीन फैक्टर्स पर, और ये रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, मतलब वो किस मटेरियल का बना हुआ है वायर, और टेम्परेचर पर। तो याद रखना चाहिए रेजिस्टिविटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मटेरियल ऑफ द वायर, बट नीदर ऑन द लेंथ ऑफ द वायर नॉर ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ पर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो आपने डिफाइन किया होगा जब रो को, तब एल 1 लिया होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 लिया होगा, तब ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के किसी वायर का रेजिस्टेंस ही उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो क्योंकि लेंथ हमेशा यूनिट होगा, एरिया हमेशा यूनिट होगा, इसीलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज। तो आपको याद आया होगा पैरेलल में जब रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपको याद आया होगा। अब यदि इक्वल वैल्यू के होंगे ये रेजिस्टर्स सभी, तो यहां हम क्या लिखेंगे, 1/R n टाइम्स, 1/R प्लस 1/R n टाइम्स। यदि n इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तब 1/R n टाइम्स, मतलब n/R,
N by R is 1 upon RP, and so equivalent resistance will be R by N. ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, मतलब R वैल्यू के N रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो इक्विवेलेंट होता है R by N. जैसे मैं आपसे पूछूं कि 10 ओम के 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इक्वल वैल्यू के हैं और 4 हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, 10 by 4 यानी इक्विवेलेंट हो जाएगा 2.5. 1 ओम के 11 ऐसा बोलूं मैं यदि, 1 ओम के 11 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो 1 by 11 आंसर हो जाएगा. यहां क्या बोला हुआ है, हर रेजिस्टर की वैल्यू है R, नंबर कितना है 3, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R by 3, इसका आंसर हो जाएगा R by 3. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. इफ अ हीटर कॉइल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड ओनली वन पार्ट इज यूज्ड द हीट जनरेटेड विल बी. तो पहले रिवाइज करते हैं हीट जनरेटेड के फॉर्मूले. आपको पता है कि R रेजिस्टर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो, एक Q चार्ज T टाइम तक फ्लो होता है, मतलब करंट I फ्लो हुआ, यह हायर पोटेंशियल और यह है लोअर पोटेंशियल का पॉइंट. तो एक रेजिस्टर है R जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V और Q चार्ज T टाइम तक फ्लो होता है फ्रॉम A टू B. वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा Q V के बराबर. यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन V, Q चार्ज यदि फ्लो होगा तो Q V, और यही है हीट प्रोड्यूस्ड. यानी हीट प्रोड्यूस्ड का पहला फॉर्मूला ये याद आना चाहिए, Q V. अब Q को हम क्या लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू I T, यानी V I T भी इसे लिख सकते हैं. अब लगा देते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I R, तो I स्क्वायर R T, और I की जगह V बाई R पुट कर सकते हैं, तो V स्क्वायर T बाई R. ये सब हीट प्रोड्यूस्ड के फॉर्मूले हैं. इवन आप यहां पावर इंटू टाइम भी लिख सकते हैं. तो ये सब फॉर्मूले हैं हीट प्रोड्यूस्ड के. अब यदि पावर के फॉर्मूले चाहिए होंगे तो क्या करेंगे, तो हम जानते हैं पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम, मतलब इन सब फॉर्मूलों को टी से डिवाइड कर देना है. तो पहला फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू वी अपॉन टी, क्यू बाई टी इज आई, यानी वी आई. ये डीसी पावर की बात हो रही है, वी आई, इसको टी से डिवाइड करेंगे तो भी वी आई आएगा. यहां से क्या आएगा, टी से डिवाइड करें आई स्क्वायर आर, इसको टी से डिवाइड करेंगे तो वी स्क्वायर बाय आर, इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. तो ये सब डीसी पावर के फॉर्मूले हो गए, ये सब हीट प्रोड्यूस्ड के फॉर्मूले. अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं. क्या बोला है हमसे, एक हीटर कॉयल है और उसको दो पार्ट्स में कट किया है, तो वन पार्ट को यूज किया बाद में, तब कितनी हीट जनरेट होगी, ये हमसे पूछा हुआ है. तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे हीट प्रोड्यूस के लिए, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. हीट प्रोड्यूस्ड इज वी स्क्वायर टी बाई आर, क्योंकि उस हीटर कॉइल को कट किया दो पार्ट्स में और एक पार्ट को वापस उसी सोर्स के अक्रॉस यूज किया है, मतलब वी तो दोनों बार कांस्टेंट है, और एक ही इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम हीट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी टी भी कांस्टेंट है, यानी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. अब उस हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस पहले कितना रहा होगा, रो एल बाई ए, और जब उसे कट किया दो इक्वल पार्ट्स में तो रो डज नॉट चेंज, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ए डज नॉट चेंज, लेंथ आधी होने से रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अब आधा हो जाएगा तो हीट प्रोड्यूस्ड डबल हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो लॉजिकली सिर्फ बगैर कैलकुलेशन के भी हम बतला सकते हैं क्या हुआ है, कि हीटर कॉइल है उसको कट किया है दो पार्ट्स में, एक पार्ट यूज किया सेम पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स के अक्रॉस, तो वी स्क्वायर और टी ये दोनों कांस्टेंट, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और आर यदि आधा हो गया है तो हीट प्रोड्यूस डबल हो जाएगी. यानी हमने ये फॉर्मूले भी रिवाइज कर लिए और इस तरह का क्वेश्चन आने पर कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हमने जान लिया. आगे बढ़ते हैं.